ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, ठाणे के अलीबाग से पकड़ा गया शाहनवाज उर्फ बद्दो। गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो को ठाणे से पकड़ा, मुमरा पुलिस स्टेशन में चल रही है पूछताछ। वेल्लोर में अमित शाह ने भरी 2024 के हुंकार, बोले तमिलनाडु से बीजेपी के 25 सांसदों की होगी जीत, कई मंत्री मोदी मंत्रिमंडल का बनेंगे हिस्सा। अमित शाह का बयान, पीएम मोदी ने नई संसद में तमिलनाडु का बढ़ाया सम्मान, चोला साम्राज्य के सिंगोल को किया स्थापित। मिशन तमिलनाडु पर वेल्लोर पहुंचे अमित शाह, डीएमके और यूपीए सरकार पर किया अटैक, कहा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास की जरूरत है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर अटैक किया। केजरीवाल ने कहा रामलीला मैदान में 12 साल पहले हुए थे इकट्ठा, आज फिर तानाशाही को खत्म करने के लिए एक साथ एकजुट हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से बोले अरविंद केजरीवाल, केंद्र ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना। पीएम पर केजरीवाल का प्रहार, कहा पीएम मोदी को इतना अहंकार क्यों है, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते। आपकी रैली में कपिल सिब्बल भी हुए शामिल, कहा पीएम मोदी हर राज्य में सीबीआई और ईडी के भरोसे अपनी सरकार चाहती है। दिल्ली में आपकी रैली से पहले बीजेपी ने लगाए पोस्टर्स, केजरीवाल पर होम रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया। केंद्र के अध्यादेश पर मंत्री आतिशी ने कांग्रेस से मांगा समर्थन, कहा कांग्रेस को तय करना है समर्थन लोकतंत्र को या पीएम को। केजरीवाल को समर्थन पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा जब हमें जरूरत थी तो केजरीवाल कहां थे, आज सभी से समर्थन मांग रहे हैं। साझा विपक्ष पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा इससे जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं, ये जरूरत पर ही हमारे दरवाजे आते हैं। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट का गहलोत पर निशाना, बोले राजनीति में भ्रष्टाचार की नहीं है कोई जगह, हर गलती की मिलती है सजा। सचिन पायलट ने कहा मैंने हमेशा नौजवानों की बात की, सबको साथ लेकर चलता हूं, आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय। सचिन पायलट बोले विपरीत हालात में भी बोलना चाहिए सच, निराशा के माहौल में मेहनत का नहीं करता मन। दौसा में पायलट का सीएम गहलोत पर निशाना, बिना नाम लिए कहा हर गलती सजा मांगती है। दौसा में अपने पिता राजेश पायलट को सचिन पायलट ने दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का यूपी के गोंडा में शक्ति प्रदर्शन, इशारे इशारे में रेसलर्स पर तंज कसा। ब्रजभूषण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा सेना से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगती है कांग्रेस, इमरजेंसी में की गई लोकतंत्र की हत्या। ब्रजभूषण सिंह ने कहा पीएम मोदी के साथ हर वर्ग के लोग, 2014 में बहुमत की सरकार बनाकर भविष्यवाणी करने वालों की बोलती बंद की। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े रेसलर्स, बजरंग पुनिया ने कहा अगर 15 जून तक नहीं हुआ मामले का हल तो फिर करेंगे आंदोलन। नाबालिग रेसलर्स के बयान बदलने पर बोले बजरंग पुनिया, परिवार पर था दबाव इसीलिए नाबालिग रेसलर ने अपना बयान बदला। सीतापुर में अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। ब्रजभूषण मामले पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना नारा याद करे। महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रहा उत्पीड़न, सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा पूरे देश में महिला पहलवानों के साथ इस वक्त सब खड़े हैं। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा राज्य में लौट रही है शांति, 39 बम और गोला बारूद बरामद। मणिपुर में 15 जून तक इंटरनेट बंद, राज्य सरकार ने लिया फैसला, 39 दिन से जारी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए इम्फाल में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। अमित शाह पर संजय राउत का पलटवार, कहा वो देश के गृह मंत्री कानून व्यवस्था पर करें बात, मणिपुर में क्यों नहीं थमी हिंसा। शाह के भाषण पर राउत का तंज, कहा 20 मिनट भाषण में 7 मिनट उद्धव पर बोले गृह मंत्री, मातोश्री का भय अभी भी बरकरार। अमित शाह के दौरे के दौरान लाइट जाने पर बोले डीएमके नेता, कहा गर्मी में ऐसा होता है ये जानबूझकर नहीं किया गया। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन का बयान, कहा बीजेपी इस मुद्दे को कर रही है राजनीति, वे सीबीआई को दे सकते हैं मुद्दा। पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सरकार ने 1 रुपये बढ़ाया वैट, पेट्रोल 98 रुपये 65 पैसे। यूएनसीटीएडी के महासचिव रेबेका से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर बात की। वाराणसी में भारत विदेश नीति पर सेमिनार, एस जयशंकर बोले यूक्रेन सूडान में फंसे लोगों को वापस लाया गया। एस जयशंकर ने कहा पीएम मोदी का कहना विदेश में फंसे भारतीयों को बचाना हमारी प्राथमिकता, उन्हें भारत सरकार पर विश्वास होना चाहिए। यूपी के वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दलित बूथ अध्यक्षता सुजाता धूसिया के घर नाश्ता किया। आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज रियलिस्टिक ऑपरेशन को किया पूरा, कई लड़ाकू प्लेन हेलीकॉप्टर शामिल।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध सामान छिपाए जाने की खबर, सेना और एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। मेहर बनर्जी को आईएमए से भारतीय सेना में नियुक्त किया गया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आंधी तूफान में रास्ता भटके इंडिगो की फ्लाइट, पाकिस्तानी एयर स्पेस को किया क्रॉस, 31 मिनट बाद वापस लौटी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीपीसीएल की बायो एथेनॉल रिफाइनरी का दौरा किया, ओडिशा के बरगढ़ में साइट की समीक्षा की। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा पर एक्शन, अब तक 34 लोग गिरफ्तार, तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। दो तीन युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद भड़की हिंसा, दोनों पक्षों की तरफ से हुए पथराव में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बीजेपी के नेता राम कदम ने अमित शाह के सवाल का समर्थन किया, पूछा उद्धव बताएं कि क्या मुस्लिम आरक्षण का वे समर्थन करते हैं। एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सुप्रिया सुले का बयान, मुझमें विश्वास दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं और शरद पवार जी का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिले शिंदे, कहा जिस तरह उद्धव ठाकरे खुद सीएम बने और बेटे को मंत्री बनाया, वैसी हालत आज एनसीपी में। बेंगलुरु में शांति योजना का शुभारंभ, सीएम और डिप्टी सीएम ने दी सौगात, कमी वाली जगह बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कालाबुर्गी में शक्ति योजना के तहत बस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा देने वाली योजना का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन प्रोसेस की होगी वीडियोग्राफी, हिंसा को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग का फैसला। भोपाल में उमा भारती से मिले सीएम शिवराज, पूर्व सीएम को किया गया सम्मानित। नमो में गंगा जमुना स्कूल के संचालक गिरफ्तार, भारी पुलिस बल रहा तैनात, हिंदू छात्रों को नमाज और कुरान पढ़ने का आरोप। दिल्ली की अदालत ने जबरन वसूली मामले में लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई। दिल्ली के रैन बसेरे में धर्मांतरण का मामला आया सामने, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोपी मोहम्मद कलीम गिरफ्तार। दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार ने कहा, धर्मांतरण से जुड़े मामले में 3 लोगों को बयान लेकर मामला दर्ज किया गया है, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा में अवैध शराब बेचने के आरोप में युवक को रस्सी से बांधकर जीप से घसीटा, युवक को कई जगह लगी चोट। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1,20,00,000 की 6,200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। शराब की तस्करी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में रेलवे के वीआईपी गेस्ट रूम में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में कूलर की फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। झारखंड राज्य छात्र संघ के बंद का दूसरा दिन, रांची में बंद रही दुकानें, नई भर्ती नीति के विरोध में उतरे छात्र। रांची में सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त, सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात, बंद को देखते हुए पुलिस की गश्त। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मिदनापुर हावड़ा लोकल ट्रेन की आखिरी बोगी का पहिया पटरी से उतरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे इंडिगो की फ्लाइट, तकनीकी खराबी के कारण इंजन में आई थी दिक्कत, दिल्ली से चेन्नई जा रही थी फ्लाइट। अमरनाथ गुफा से आई बाबा बर्फानी की ताजा और नई तस्वीरें, माता पार्वती और गणेश जी के साथ अपने पूरे आकार में दिखे महादेव। यात्रा के दोनों ट्रैक बाल्टार और पहलगाम के रास्तों को ठीक करने का काम जारी, 15 से 20 फीट बर्फ हटाने का चल रहा है अभियान। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के डुबरी सीएम डीके शिव कुमार, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आशीर्वाद। मिलेट्स को बढ़ावा देने में जुटे सीएम धामी, उत्तरकाशी के सिरोर गांव में जोता खेत, मंडुआ के बीज बोए। पणजी में जैकफ्रूट फेस्टिवल, गोवा के राज्यपाल ने की शिरकत, बिहार और तेलंगाना के गवर्नर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की बेटी सिमरन बाला का कमाल, यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में पाई 22वीं रैंक। इस साल एग्जाम क्रैक करने वाली जम्मू कश्मीर की इकलौती लड़की बनी सिमरन, कहा गर्व महसूस हो रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से देहरादून और मसूरी की ओर जाने वाली सड़क पर गुच्चू पानी में भारी ट्रैफिक जाम रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, गर्मी से निजात पाने की कोशिश। गुवाहाटी में बारिश के कारण कई हिस्सों में भरा पानी, रुकमेड़ी गांव और हती गांव सबसे ज्यादा हुआ प्रभावित। मथुरा के गोविंद नगर की द्वारकेश कॉलोनी में बदमाशों ने एक शख्स से चांदी से भरा बैग लूटा। मथुरा के एसएसपी का बयान, सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी, जल्द पकड़े जाएंगे लुटेरे। गुजरात के बोड़ाद में मंदिर में दर्शन करने आए यात्रियों की 5 गाड़ियों में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। महाराष्ट्र के जालना में हाईवे पर एक कार और कंटेनर के बीच टक्कर, 2 की मौत। तमिलनाडु के वेलोर में एक जवान की पत्नी पर हमला, अस्पताल में इलाज जारी। देवभूमि में देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ के जवान, बद्रीनाथ धाम में महिला को सांस लेने में हुई थी तकलीफ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात के तटीय इलाकों पर असर, अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी की आशंका।
लैंडफॉल होने के बाद चक्रवात का असर सौराष्ट्र, कच्छ और 13, 14 और 15 जून तक रहेगा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आईएमडी के महानिदेशक के मुताबिक 15 जून को सबसे अधिक खतरा है, लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। गुजरात के मंत्री कानूभाई देसाई ने चक्रवात से पहले वलसाड के अरब सागर तट पर तैयारियों का जायजा लिया। द्वारका के गोमती घाट पर हाईटाइड तूफान को लेकर समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात पेपरजॉय की ऊंची लहरें, अलर्ट पर एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता, भारत को 209 रनों से मात दी। विराट, रहाणे, जडेजा, शार्दुल ने किया निराश, रोहित की कप्तानी में टीम नहीं जीत पाई, आईसीसी का खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा, भारत ने साल 2021 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ गंवाया था अपना मैच। पहली पारी में 89 रन की पारी खेलने वाले अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी में 46 रन बनाए। मिचेल स्टार्क में काफी चालाकी से रहाणे का विकेट चटकाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में विराट कोहली 78 गेंद में 49 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट का कैच गली में खड़े स्टीव स्मिथ ने लपका था। दोनों पारियों को मिलाकर विराट के बल्ले से निकले 63 रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में विराट कोहली ने फिर किया बल्ले से निराश। भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर 2023 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप अपने नाम किया। कैरोलिना मुचोवा को फ्रेंच ओपन जीतने का सपना टूटा, पोलैंड की इगा स्वियातेक ने सीधे सेटों से हराया। मुंबई में प्रोड्यूसर मधु मंटेना, ईरा त्रिवेदी की मेहंदी सेरेमनी, एक्टर आमिर खान, ऋतिक रोशन मौजूद रहे। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का प्री टीजर हुआ आउट।